नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको 10 साल के बच्चे के लिए इस तरह के स्लीपर बनाना बताऊंगी। और ये मैंने इसमें टोटल मैंने 18 रो बनाई हुई हैं यहाँ तक, और इसमें मैंने डबल क्रोशेट किया हुआ है। तो 18 के हिसाब से मैंने यहाँ पे 12 का मैंने ये आगे फ्रंट के लिए मैंने 12 लाइन डबल क्रोशेट की रखी है, तो पीछे के लिए एड़ी के लिए मैंने यहाँ पे 6 लाइन यहाँ पे बनाई हुई है। तो आप इसी हिसाब से बना सकते हो, चाहो तो आप यहाँ पे कम भी कर सकते हो, एड़ी ज्यादा बना सकते हो। तो मैंने 12 आगे लिए हैं और 6 लाइन जो है पीछे बनाई है, और यहाँ से मैंने जो 10 डबल क्रोशेट से स्टार्ट किया है, और पहली तीन रो में मैंने इसको बढ़ाया है। तो थर्ड रो तक ये मेरा 30, मेरे पास 30 डबल क्रोशेट यहाँ तक आ गए हैं, उसके बाद मैंने कुछ भी बढ़ाया नहीं है। तो अगर इसकी लेंथ है तो नियर 7 इंच के नियर इसकी लेंथ आएगी, और ये 10 साल 11 साल के बच्चे को आ जाएगा ये स्लीपर। तो आज मैं आपको ये बनाना बताऊंगी, तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे 5 चेन ली हुई हैं, और लास्ट चेन में जाके मैं स्लिप स्टिच करूंगी और एक लूप बना लूंगी। और अभी मैंने इसी लूप में 10 बार डबल क्रोशेट करना है। एक तो मैं चेन लूंगी, देखिए मैंने 3 चेन ली, और 3 जो मैंने यहाँ पे चेन ली हुई हैं इसको मैं एक डबल क्रोशेट में काउंट करूंगी। तो इसके बाद हम 9 बार और बनाएंगे, तो ये हमारा 10 बार हो जाएगा। 2 बार हो गया है, तो अभी 3 बार। तो इस तरह से आपने यहां तक 10 बार बना लेना है और स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करना है। तो मेरी जो फर्स्ट रो है उसमें इस तरह से मेरा ये राउंड शेप बन गया है। इसमें मैंने 10 डबल क्रोशेट किए हैं। अभी मैं अपनी सेकंड रो बनाऊंगी, तो इसमें मैंने 10 के ऊपर 10 और बढ़ाने हैं, इसलिए हर एक चेन में मैं 2-2 बार डबल क्रोशेट करूंगी। तो यहाँ पे मैंने 3 की चेन बना ली है, अभी यहीं पर मैं एक बार और डबल क्रोशेट करूंगी, तो मेरा यहीं पर ये 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट चेन में मैं फिर से 2 बार डबल क्रोशेट करूंगी, इस तरह से आपने हर एक चेन के ऊपर 2 बार डबल क्रोशेट करना है। तो आपके पास यहाँ पे 10 डबल क्रोशेट और इंक्रीज हो जाएंगे, तो ये 20 हो जाएंगे हमारे पास। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे 10 मैंने डबल क्रोशेट और बढ़ा लिए हैं, तो ये मेरे पास 20 हो गए हैं। अभी मैं यहाँ पे जाके देखिए थर्ड चेन में जाके स्लिप स्टिच करूंगी, और एक रो में हमने और बढ़ाना है। 10 फिर 20 हो गए, अभी हमने यहाँ पे 30 करने हैं, 30 करने हैं। तो हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे, बल लेंगे, और इससे नेक्स्ट चेन में जो हमारी अगली चेन है उसमें हम 2 बार बनाएंगे। एक ही चेन में हम 2 बार डबल क्रोशेट करेंगे इस तरह से, और फिर से एक बार करेंगे, फिर 2 बार करेंगे अगली चेन में। इस तरह से आपने एक चेन में एक बार और नेक्स्ट चेन में 2 बार करना है। तो पूरी रो आपने ऐसे ही कंप्लीट करनी है, तो 10 यहाँ पे आपके बढ़ जाएंगे, तो यहां तक आपके 30 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। तो मैंने अपनी थर्ड रो पूरी कर ली है, और इसमें मेरे पास अभी 30 डबल क्रोशेट हो गए हैं। इसके आगे मैंने कुछ भी बढ़ाना नहीं है, इसके आगे बस सिंपल रो बनानी है। तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर की 2 रो और बनाऊंगी, उसके बाद मैं यहाँ पे धागा चेंज करके तो अपनी आगे की रो बनाऊंगी। तो इसके ऊपर मैंने टोटल यहाँ पे 12 रो बनानी है। देखिए मैंने यहाँ पे 5 रो ब्लैक कलर से बनाई है, उसके आगे बाकी यहाँ तक मैंने ग्रीन कलर यूज किया है। तो मैं सिंपली यहाँ तक आ जाऊंगी, कुछ भी मैंने बढ़ाना नहीं है। 30 के ऊपर मैं 30 बनाऊंगी यहाँ तक। आपने यहाँ पे चेन लेनी है 3, बल लेना है, और हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशेट करते हुए जाना है। तो इस प्रकार से आपने 12 रो बना लेनी है, 30 के ऊपर 30।
तो देखिए मैंने ये अपना यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है स्लीपर। तो इसमें मेरे 5 रो मेरी ब्लैक कलर की हैं, उसके आगे 7 रो मैंने ग्रीन कलर की बनाई हैं, और यहाँ से मैंने धागे को कट कर दिया है क्योंकि यहाँ से देखिए मैंने यहाँ से मैं फिर से ग्रीन धागा लूंगी और एडी बनाऊंगी। तो यहाँ पे हमारी एक लाइन बन रही है जो हमने स्लिप स्टिच किया था, तो हम इसको यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे यहाँ से बनाना तो ये ऊपर आ जाएगा हमारा जोड़ है जो जहाँ पे, तो इसको हम यहाँ से ऐसे करके नीचे कर सकते हो आप। तो आप जो इसको इस तरह से कर लीजिए और यहाँ से देखेंगे आप इधर यहाँ पे आ गया हमारे पास, इसको आप नीचे ले जाएंगे और इस तरह से ऊपर का हिस्सा हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसके आगे हमने एडी बनानी है, तो हमने यहाँ पे 12 रो बनाई है तो 6 रो की हम एडी निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 30 जो डबल क्रोशेट है, तो यहाँ पे हमने 10 डबल क्रोशेट लेने हैं ऊपर जो हमारा आगे का हिस्सा हमने छोड़ देने हैं, और बाकी हमने 20 डबल क्रोशेट जो हैं वो हमने एड़ी के लिए निकालने हैं। तो आप यहां से ऊपर निशान लगा लीजिए, 10 डबल क्रोशेट यहां पे आप छोड़ दीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे ब्लैक थ्रेड से निशान बना लिए हैं, यहाँ पे मैंने 10 डबल क्रोशेट छोड़ दिए हैं। तो बाकी मैं यहाँ पे जो मेरे 20 हैं तो मैं यहां से बनाना स्टार्ट करूंगी और यहां तक मैं बनाऊंगी। तो ऊपर का हिस्सा हमारा यहाँ पे जो हमने 10 छोड़े हैं तो वो हमने नहीं बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने मार्क लगाया हुआ है, इसके आगे की चेन में मैंने धागा लगाया और यहाँ पे मैंने 3 चेन ली है, और अभी मैं यहाँ से डबल क्रोशेट करना स्टार्ट करूंगी। इस तरह से हम डबल क्रोशेट करते हुए दूसरे यहाँ पे हमने ब्लैक धागा लगाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ब्लैक धागे से निशान लगाया था, यहाँ तक मैंने बना लिया है। तो अभी मैंने 10 जो मेरे डबल क्रोशेट थे बीच वाले ये मैंने छोड़ दिए हैं। तो जो मैं अभी यहाँ पे मैं 6 रो बनाऊंगी, तो ये मेरी दूसरी रो जब मैं स्टार्ट करूंगी तो यहाँ से ही मैंने 3 चेन लेनी है। देखिए मैंने एक रो बना ली है, तो यहाँ से मैं ऐसे वर्क टर्न करूंगी, बल लूंगी और यहीं से मैं फिर से डबल क्रोशेट बनाना स्टार्ट कर दूंगी। तो इस तरह से मैं बनाते हुए यहां तक आ जाऊंगी और यहां पे आके मैं फिर से इसके आगे जब रो स्टार्ट करूंगी तो 3 चेन लूंगी। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे 6 जो हमारी है डबल क्रोशेट की लाइन बना लेनी है एड़ी के लिए। तो देखिए मैंने अपनी दूसरी रो यहां तक बना ली है, इसके आगे मैंने फिर से यहीं पे 3 चेन ली है और थर्ड रो में मैं फिर से डबल क्रोशेट करूंगी। तो इस प्रकार आपने 6 बार बना लेना है डबल क्रोशेट, 6 लाइन बना लेनी है एड़ी के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे मेरी एड़ी जो है 6 रो मैंने बना ली हैं। तो इस तरह से हमारा ये स्लीपर आया है, शू आया है। तो अभी हमने यहाँ से इसको आपस में जोड़ना है। तो देखिए हम कैसे इसको जोड़ेंगे, तो हम क्रोशेट की हेल्प से, यहाँ चाहो तो आप सुई धागे की हेल्प से भी इसको जोड़ सकते हो, तो आप क्रोशेट की हेल्प से भी इसको यहाँ से आपस में जोड़ सकते हो, कैसे भी आप जोड़ सकते हो। तो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ से इसको आपस में ऐसे जोड़ूंगी, मैं हर एक चेन में हमने ऐसे जाना है और यहाँ से ऐसे धागा लेके स्लिप स्टिच करते हुए जाना है। तो इस तरह से ये आपस में ज्वाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से हम धागा लेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे, तो लास्ट तक हमने ऐसे ही स्लिप स्टिच बनाना है। एक चेन हम इधर से लेंगे और एक चेन हम पीछे से लेंगे और दोनों में से ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से ये यहां से आपस में जुड़ जाएगा। तो इस तरह से मैंने क्रोशेट की हेल्प से यहाँ से इसको आपस में जोड़ दिया है। तो आप इसको बाद में इस तरह से निकाल लीजिए। तो ये इस तरह से आपकी यहाँ से एड़ी बन जाएगी। ये देखिए मेरी एड़ी यहाँ से बन गई है। तो अभी मैं यहाँ पे देखिए एक लाइन जो यहाँ पे हमारा ये वाला एक हम यहाँ पे राउंड बनाएंगे सिंगल क्रोशेट से, वो मैं ब्लैक कलर से बनाऊंगी जैसे कि मैंने अपने स्लिपर पे बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर मैंने यूज किया है। तो यहां से मैं स्टार्ट करूंगी बनाना। तो देखिए मैं यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट की लाइन बना रही हूं, तो बस आपने यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशेट बनाते हुए जाना है इस तरह से।
इस तरह से ये आपकी इस तरह से सिंगल क्रोशेट आएगा। तो देखिए मैंने अपना ये स्लिपर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशेट की एक ब्लैक कलर की रो बनाई है और इस तरह से मेरा पूरा दोनों शू बने हैं और इसमें टोटल मैंने 18 रो बनाई हुई हैं और ये 10 साल के बच्चे के लिए आराम से साइज सही जाएगा हमारा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।